डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस सी एस ईडीओ पॉइंट पर। आशा करता हूँ कि आप लोग क्लास देखने से पहले कॉपी और पेन और सब्जेक्ट की किताब लेकर अवश्य बैठे होंगे। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना देख लेते हैं। जरूरी सूचना हमें आपके लिए ये है कि कक्षा 12 की जो ऑनलाइन क्लास है, प्रतिदिन आपको सुबह 6:45 पे मैथ के लिए मिलेगी और 7:30 पर अर्थात 7:30 बजे केमिस्ट्री के लिए मिलेगी। इसी प्रकार कक्षा 10 के लिए मैथ साइंस की क्लास आपको 7 बजे मिलेगी और मैथ की क्लास आपको 7:45 में मिलेगी। ये क्लास आपके लिए प्रतिदिन उपलब्ध होगी। आप इस क्लास को दिन में चाहे जब देख सकते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो इसे शेयर करके अपने अन्य दोस्तों तक अवश्य पहुँचाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए, आपका समय बर्बाद किए बिना हम देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब नीचे रीडिंग लिखो। एक वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग लिखो। पहली हेडिंग, धातुओं के निष्कर्षण और शोधन में। धातुओं के निष्कर्षण और शोधन में। धातुओं के निष्कर्षण और शोधन में हो गया, तो लिखो। अधिक्रियाशील धातुएं। अधिक्रियाशील धातुएं। अधिक्रियाशील धातुएं जैसे जैसे NaAl Mg आदि। अधिक्रियाशील धातुएं जैसे NaAl Mg आदि हो गया, जिनके ऑक्साइडों का अपचयन, जिनके ऑक्साइडों का अपचयन, जिनके ऑक्साइडों का अपचयन कार्बन के द्वारा नहीं हो पाता है। कार्बन के द्वारा नहीं हो पाता है। इनसे धातु का निष्कर्षण, इनसे धातु का निष्कर्षण, इनसे धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। विद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। हो गया ना, नीचे लिखना लाइन छोड़ के। इसी प्रकार कम क्रियाशील धातुओं, इसी प्रकार कम क्रियाशील धातुओं जैसे Cu, Ag, Au आदि, मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि,
जिंक भी लिख सकते हो, जिंक अपेक्षा भी कम क्रियाशील में आता है। क्या लिखे? CuAgAuR। का शोधन विद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। का शोधन विद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। हो गया ना? चलो आगे लिखो। दूसरी हेडिंग, विभिन्न गैसों का उत्पादन हो गया। अब लिखो इसमें, विभिन्न गैसों जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन आदि आदि का उत्पादन इनके यौगिकों के विद्युत अपघटन से किया जाता है। हो गया। अब देख सकते हो, जैसा हमने अभी देखा कल, जब NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कर रहे थे तो एनोड पर तो Cl2 गैस मिल रही थी, परंतु कैथोड पर कौन सी गैस मिली थी? H2 गैस मिली थी। हमने समझ भी लिया था कैसे मिलता है। इसी प्रकार से अगर कोई और गैस प्राप्त करनी हो तो उसका यौगिक ले लोगे, उसका जब विद्युत अपघटन कराओगे तो उसमें गैस मिल जाएगी। जैसे अगर सोडियम फ्लोराइड NaF, तो इसमें क्या मिलेगा? Na+ और क्या मिलेगा? F- चला जाएगा एनोड पर, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और फ्लोरीन बना लेगा, F2 के रूप में रहेगा। देखो फ्लोरीन गैस बन गई कि नहीं बन गई, और सोडियम उधर जाके अपना सोडियम बना लिया। तो विभिन्न प्रकार की गैसों का उत्पादन भी तो विद्युत अपघटन में हो रहा है। जिस गैस का उत्पादन करना है उस गैस का यौगिक लेके उसको आयन के रूप में तोड़ के उसका विद्युत अपघटन करा दो, हो जाएगा, गैसें आराम से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अगर गैस धनावेशित है अर्थात धनायन बना के बनती है तो कैथोड पर जाएगी, ऋणावेशित है तो कहाँ जाएगी? एनोड पर जाएगी। वैसे सामान्य रूप से सभी गैसें हमको एनोड पर ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि गैसें किसकी होती हैं? अधातुओं की होती है ना, अधातुओं की। धातुएं तो गैस बनाएंगी नहीं, गैस कौन बनाएगा? अधातु ही गैस बनाएगी, याद रखे ना। कभी धातु गैस बनाती क्या? धातु के बारे में तो हम जानते हैं धातु में ठोस होती, जानते कि नहीं जानते? याद रखते रहना। तो इसीलिए अधातुओं के जितने भी होंगे सब कहां पे जाके मिलेंगे? एनोड पर मिलेंगे गैस के रूप में हमें, हो जाएगा। तो लिखो अगला पॉइंट, विद्युत लेपन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखते रहना। विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ELECTROPLATING इलेक्ट्रोप्लेटिंग
हो गया ना। अब देखो विद्युत दीपन क्या कहलाता है, शायद इससे पहले परिचित हो गए, नहीं परिचित हो। नाम से स्पष्ट है लेपन का अर्थ है लेप लगाना, सामने लगा विद्युत अर्थात विद्युत की प्रक्रिया से लेप लगाना है, ठीक है। किस पे लगाते हैं, एक धातु पर दूसरी धातु पर, ध्यान देना। ऐसा क्यों करते हैं, एक तो अच्छा दिखाने के लिए करते हैं, दूसरा उनको संक्षारण से बचाने के लिए करते हैं। जैसे हम जानते हैं अगर हमारे पास लोहे का चम्मच है तो जल्दी खराब हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन उस पर अगर चांदी की पतली परत चढ़ा दी जाए तो वो चांदी की तरह चमकने लगेगा, एक तो शाइनिंग आ गई उसमें, लगेगा चांदी की चम्मच से भोजन कर रहे हैं, चांदी वाली फीलिंग आएगी, समझ गए। दूसरी स्थिति, चम्मच खराब होने से बच जाएगा। दो स्थितियां बनेंगी कि नहीं बनेंगी। अब लोहे का चम्मच लिए, अब जैसे मिठाई पे सिल्वर की परत चढ़ी रहती है ना, वैसे सिल्वर की परत एक निकाल के उससे चिपका दिए, हो जाएगा ऐसा। पता चला खाना निकाल के खाया और चांदी पेट में चली गई, लोहा दिखने लगा उसके बाद से, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि निकाल के गोंद लगा के चिपका दे उसमें। तो उसको चिपकाने के लिए, क्योंकि एक धातु पर दूसरी धातु इतनी आसानी से थोड़ी ना चिपक जाएगी, एक धातु दूसरी धातु पर इतनी आसानी से नहीं चिपकेगी, इसलिए हम उसमें कौन सी प्रक्रिया कराते हैं, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराते हैं, और विद्युत अपघटन के द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लो, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना, किसी धातु की सतह पर दूसरे धातु की पतली परत चढ़ाना, ये लिखना, दूसरे धातु की पतली परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है, या विद्युत लेपन कहलाती है। सही सेंटेंस नहीं बन रहा है ना, पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया ऐसे बना सकते हो, पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। हो गया ना, आगे लिखो। सामान्यतया धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, सामान्यतया धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हो गया, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर कम क्रियाशील धातु का विद्युत लेपन कर दिया जाता है, उस पर कम क्रियाशील धातु का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। हो गया ना, तो अब देखो आगे लिख देना। इसी प्रकार
इसी प्रकार कुछ धातुओं की सजावट के लिए उस पर दूसरी धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, कुछ धातुओं की सजावट के लिए उस पर दूसरी धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। हो गया। तो अब देखो, जैसे जैसे हो गया लोहे के चम्मच पर चांदी की परत चढ़ाना, जैसे हेडिंग लिखना, ये इसके अंदर भी कुछ लिख लेते हैं, जैसे के बाद हेडिंग लिखना, लोहे की चम्मच पर चांदी की परत चढ़ाना। हो गया। तो अब देखो क्या होगा जी, लोहे की चम्मच पर चांदी की परत चढ़ाना। अब सोचो, लोहे की चम्मच पर चांदी की परत को चढ़ाना है तो लोहे का एनोड बनाए कि लोहे का कैथोड बनाए, क्योंकि लोहे पर चांदी की परत को चढ़ाना है ना, तो ऐसा करना है कि लोहे पर चांदी के अर्थात सिल्वर के आयन जाके चिपकने लगे। तो सिल्वर के आयन किस प्रकार का आयन बनाते हैं, धनायन या ऋणायन? धनायन बनाएंगे ना, और धनायन कहां जाता है, एनोड पर कि कैथोड पर? कैथोड पर जाता है ना। इसका मतलब जिस पर हमें परत चढ़ाना है उसका कैथोड बनाना पड़ेगा, हो जाएगा, और जिसका हमें परत चढ़ाना है उसका एनोड बनाना पड़ेगा। तो देखो होता क्या है, अगर परत चढ़ाना है तो एक विलयन लेते हैं, और वो विलयन किसका होगा, चांदी की परत चढ़ाना चाहते हो ना, तो चांदी के ही किसी आयन का विलयन होगा, अर्थात AgSO4 का विलयन हमने यहाँ पे ले लिया। तो विलयन में Ag प्लस आयन रहेंगे और कौन रहेगा, SO4 पे 2 माइनस आयन रहेंगे, नहीं Ag प्लस ही बनाता है यहाँ पे, हाँ सूत्र ना, ये Ag2SO4 रहेगा। अब देखो, हमको मान लो चांदी की परत चढ़ानी है, तो ये सिल्वर है, इसका हमने क्या बना दिया जी, एनोड बना दिया, जिसकी परत चढ़ानी है उसका एनोड बना दो, हो जाएगा, और जिस पर परत चढ़ानी है उसको पूरा डुबा के उसका कैथोड बना दो। ये पलटा है चम्मच नहीं है, याद रखते रहना, हो गया ना, और ऐसा बनाओ कि वो पूरा डूबा रहे चम्मच उसमें, नहीं तो पता चला आधा चम्मच पे चांदी पड़ता ही नहीं चढ़ेगी, आधा काला दिखेगा आधा गोरा दिखेगा, समझ गए। अब देखो ये लोहे का चम्मच है, हो गया, हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, जोड़ दिए, प्रक्रिया की शुरुआत हो गई, एजी प्लस आयन चम्मच की तरफ चलेंगे क्योंकि वो ऋणावेशित है, चम्मच के पास जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तथा क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, होंगे ना उदासीन होंगे, तो चूंकि उन्होंने उससे इलेक्ट्रॉन निकाला है चम्मच से, इसलिए इनके बीच आयनिक बंध बन जाता है, कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध, या कहें तो धात्विक बंध बन जाता है, धातुओं के बीच लगने वाले बंध को क्या कहते हैं, या लगने वाले आकर्षण बल को धात्विक बंध कहते हैं, वो भी आयनिक बंध का ही एक प्रकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और उदासीन होकर चम्मच पर चिपक जाएगा, अब उसके भी धात्विक बंध बन चुका है, उसको तोड़ना कठिन हो जाता है, वो आयनिक बंध के जितना ही प्रबल हो जाता है, आया कि नहीं समझ में आया। अब क्या हुआ,
विलयन से एजी प्लस आयन भाग गया, विलयन में कौन बच गया? एसओ फोर पे टू माइनस। विलयन में ऋणायन बढ़ने लगे, विलयन में ऋणायन बढ़ने लगे, धनायन क्या होने लगे? कम होने लगे। उन धनायनों की कमी को पूरा करने के लिए ये जो सिल्वर का हमने एनोड बनाया था, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ता है और एजी प्लस बना के कहाँ आने लगता है? विलयन में आने लगता है। समझ गए? मतलब धीरे धीरे एनोड कहाँ पर आने लगा? विलयन में आने लगा, और विलयन से कहाँ जाने लगा? कैथोड पर जाने लगा। तो हमको चांदी की परत चढ़ानी थी ना, तो ये वाली चांदी धीरे धीरे विलयन में जाएगी और धीरे धीरे कहाँ पर जाकर चिपक जाएगी? चम्मच पर जाकर चिपक जाएगी। कुछ देर के बाद चम्मच पर चांदी की परत चढ़ जाएगी, हो जाएगा, और हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को रोककर चम्मच को निकाल लेंगे, फिर दूसरा चम्मच लगा देंगे, इस प्रकार से विद्युत लेपन करते जाएंगे, हो जाएगा। तो यही विद्युत लेपन की प्रक्रिया होती है। तो देखो, ये प्रक्रिया तो कैथोड पर हुई। किस पर हुई जी? कैथोड पर। एनोड पर देखो क्या होगा, बताओ तनिक, कैथोड वाली अपचयन है कि नहीं? हो, कैथोड वाली अपचयन है। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभिकारक की साइड में प्लस में दिख रहे हैं, ऐसा हम बताए थे। और इसमें देखो क्या होता है, एनोड पर जो सिल्वर है वो विलयन में जाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और एजी प्लस बनाकर विलयन में जाता है, जाता है। मतलब एनोड पर एजी, एजी प्लस बना के विलयन में जाएगा, और विलयन का जो एजी प्लस है वो कहां पर चला जाएगा? कैथोड पर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाएगा, होगा। ये प्रकार से इसको हमें समझना है। एजी प्लस विलयन में आ रहे हैं, फिर कहां जा रहे हैं? चम्मच पर जा रहे हैं। चम्मच पर धीरे धीरे किसकी परत चढ़ जा रही है? चांदी की परत चढ़ जा रही है, हो जाएगा, और चम्मच चमकीला दिखने लगता है, और यहां से धीरे धीरे ये चांदी खत्म हो जाती है। यही प्रक्रिया कम क्रियाशील धातुओं के शोधन में भी होती है। अगर हमको कॉपर को शोधित करना होता है तो अशुद्ध कॉपर का एनोड बना लेते हैं, उसमें से कॉपर के आयन निकल निकल के विलयन में जाते हैं, और यहाँ से शुद्ध कॉपर की छड़ लगी होती है उस पे चले जाते हैं, और जो उसमें अशुद्धियां होती हैं वो तो आयन बना के विलयन में जाएंगी नहीं, तो अशुद्धियां धीरे धीरे टूटने लगती है ना, क्योंकि जब इसमें धातु निकल निकल के भाग जाएगी तो उसके बाद वो गिरने लगेंगे नीचे, और नीचे गिर के एकत्रित हो जाते हैं, उसी को हम एनोड मड कहते हैं, अर्थात एनोड का कचरा कहते हैं। ये तुम लोग पढ़ चुके होगे पीछे, धातुओं का शोधन का विद्युत अपघटनी विधि, उसमें कॉपर का शोधन एक कॉमन प्रक्रिया थी, तो वैसा ही इनमें होता है। तो पहले तो क्या करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं, कहां तक हेडिंग लिखी हो ना खाली, तो लिखो इसके लिए लोहे की चम्मच का एनोड बनाकर, इसके लिए लोहे की चम्मच का कैथोड बनाकर, एनोड बोले क्या इसके पहले, कैथोड, इसके लिए लोहे की चम्मच का कैथोड बनाकर लोहे की चम्मच का कैथोड बनाकर हो गया, तथा सिल्वर का एनोड बनाकर उन्हें उन्हें हो गया उन्हें AgSO4 के विलयन में डुबाकर रखते हैं, AgSO4 के विलयन में डुबाकर रखते हैं, अरे हाँ Ag2SO4 बनेगा जी, ये लिखना है Ag2SO4, वही लिखे हो, Ag2SO4 के विलयन में डुबाकर रखते हैं, हो गया। सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, आगे लिखना, सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हो गया, सेल में उपस्थित एजी प्लस आयन, सेल में उपस्थित एजी प्लस आयन सेल में उपस्थित एजी प्लस आयन हो गया कैथोड पर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन होकर हो गया कैथोड अर्थात चम्मच से चिपक जाते हैं, कैथोड अर्थात चम्मच से चिपक जाते हैं कैथोड अर्थात चम्मच से चिपक जाते हैं हो गया ना? इस प्रकार विलयन में होने वाले एजी प्लस आयनों की कमी इस प्रकार विलयन में होने वाले एजी प्लस आयनों की कमी विलयन में होने वाले एजी प्लस आयनों की कमी विलयन में होने वाले एजी प्लस आयनों की कमी को पूरा करने के लिए एजी प्लस आयनों की कमी को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए हो गया एनोड में उपस्थित सिल्वर या एनोड पर उपस्थित सिल्वर एजी प्लस आयन के रूप में विलयन में आने लगता है एजी प्लस आयन के रूप में विलयन में आने लगता है इस प्रकार धीरे धीरे लोहे की चम्मच पर सिल्वर की पतली परत बन जाती है हो गया ना बस अब वो अभिक्रिया दोनों लिख लो जो कैथोड पर और एनोड पर लिखे हैं कैथोड पर क्या हो रहा है एनोड पर क्या हो रहा है उसके बाद नीचे चित्र बना लो ये तीर बनाना मत भूलना ये वाली एजी प्लस को चम्मच की ओर दिखाना और यहाँ से एजी प्लस को विलयन की ओर दिखाना जिससे पता चले कि वो अंदर आ रहा है इसमें विद्युत अपघटन की परिभाषा याद रखना विद्युत लेपन याद रखना और विद्युत अपघटनी सेल में कौन क्या है इसको याद रखना क्योंकि सेल हटा दिया है तो विद्युत अपघटन के पूछने की संभावना बढ़ जाती है एक भी सेल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है पांच सेल से पांच के पांचों सेल हटा दिए गए हैं और उस सेल से तीन नंबर के सवाल फिक्स होते वो तीन नंबर हटेगा फैराडे का नियम हट गया है
जाहिर सी बात है वैद्युता भट्टन से सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं। अब प्रायिकता बढ़ जाती है यहाँ से सवाल पूछने में, इधर विद्युत भट्टन से सवाल पूछा जा सकता है, उधर पीछे चालकता मोलन चालकता का भी अब सवाल पूछा जा सकता है। अभी तक उसकी प्रायिकता कम रहती क्योंकि शीशा संचायक सेल का 2 नंबर फिक्स रहता था उसका, अब वो हट गया, 2 नंबर वो आने वाला नहीं है, 2 नंबर इधर उधर ही घुमाएगा। लिखना शुरू करो दूसरी हेडिंग, अब विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल हो गया, अब इसमें लिखो विद्युत भटनी सेल क्या पढ़े थे जी, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये उसका ठीक उल्टा होगा। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक सेल कहलाता है। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है या रासायनिक सेल कहलाता है। हो गया, आगे काली पेन से लिखना। क्योंकि इस सेल का निर्माण सर्वप्रथम हो गया गैल्वनी तथा वोल्टा ने किया था, शायद विभवांतर की भी खोज इन्होंने ही की थी, इसलिए विभवांतर का मात्रक वोल्ट दिया गया। गैल्वनी तथा वोल्टा ने किया था, इसलिए इस सेल को गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल भी कहते हैं, गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल भी कहते हैं। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट, क्योंकि इन सेलों में रेडॉक्स अभिक्रिया भी होती है। ये है क्या जिसमें ऑक्सीकरण और चयन दोनों होता हो, क्योंकि इन सेलों में रेडॉक्स अभिक्रिया भी होती है, अतः इन्हें रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। हो गया, हेडिंग लिखो रासायनिक सेल के बारे में जानकारी। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे।
Thank you.